टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। धनबाद नगर निगम की ओर से एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम कबाड़ से जुगाड़ रखा गया है। इस अभियान में नगर निगम के कबाड़ से कलाकृतियां तैयार कर चौक चौराहे पर रखा जा रहा है। धनबाद नगर निगम के इस अभियान का प्रशंसा आम से लेकर खास कर रहे हैं, तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं धनबाद के बेकार बांध, जिसे आप राजेंद्र सरोवर के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही आप राजेंद्र सरोवर के मुख्य गेट से प्रवेश करेंगे, आपको विशालकाय गोरिल्ला और उसका बच्चा दिख जाएगा। ऐसा लगेगा कि यह गोरिल्ला और उसका बच्चा प्लास्टिक पेरिस से तैयार किया गया है, लेकिन जब आप यहां पहुंचेंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो गोरिल्ला और गोरिल्ला का बच्चा तैयार किया गया है उसकी हाइट देख लीजिए, लगभग 15 फीट है, और उसके साथ जो बच्चे का हाइट है वो लगभग 5 फीट का है, और पूरा का पूरा गोरिल्ला जो है वो बेकार पड़े टायरों से तैयार किया गया है, ना कि प्लास्टिक या पेरिस से। तो लोगों का आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है, और लोग जब इस पार्क में आते हैं घूमने के लिए, अपने परिवार के साथ आते हैं, तो सेल्फी लेने से भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि जब आप इस पार्क में आएंगे तो आपको विशालकाय गोरिल्ला और उसका बच्चा दिख जाएगा। इसी प्रकार जब आप कोयलांचल के सड़कों पर भ्रमण करेंगे तो देखने को मिलेगा हर जगह कुछ नया, कुछ आकर्षण। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं अब कुछ चौक चौराहे पर, जहां कुछ अलग नगर निगम के ओर से बनाया गया है, जिसे आप कबाड़ से जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे ही आप बेकार बांध यानी राजेंद्र सरोवर से बाहर निकलेंगे, आपको मिलेगा भगत सिंह चौक, जिसे पॉलिटेक्निक चौक भी कहा जाता है। उस जगह पर नगर निगम के ओर से 1932 मॉडल का रोड रोलर तैयार किया गया है। ठीक उसके दूसरी तरफ खाली बोतल यानी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल, पानी के बोतल से नल तैयार किया गया है। आप उससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको रणधीर वर्मा स्टेडियम मिलेगा, जहां भारतीय सेना का टैंक तैयार किया गया है, जिसका वेट महज 630 किलो है। उस टैंक को तैयार करने में जो सामान यूज किया गया है वो सामान है पुराने ठेले का रड है, टायर है, उससे उस टैंक को तैयार किया गया है। लेकिन जैसे ही आप रूबी सर्कुलर रोड में आएंगे तो आपको एक से बढ़कर एक कबाड़ का जुगाड़ देखने को मिलेगा, आपको विशालकाय हाथी देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको विशालकाय बिच्छू नजर आएगा, जिसे कबाड़ से तैयार किया गया है। अगर बिच्छू का पैर देखेंगे, छोटे छोटे टुकड़े के पाइप से उनका पैर तैयार किया गया है। अगर उनका बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसे रड से तैयार किया गया है, छोटे छोटे प्लेट से तैयार किया गया है। अगर बिच्छू की आंख की बात करें तो बाइक के हेडलाइट से तैयार किया गया है। तो उसी प्रकार जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको नगर निगम के सफाई कर्मी सफाई करते हुए नजर आ जाएंगे। उससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हॉर्स राइडिंग करते हुए दिख जाएगा। तो नगर निगम का जो प्रयास है इससे लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि नगर निगम के ओर से जो प्रयास किया गया है वो काफी सराहनीय है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, और नगर निगम का भी मानना है कि जिस प्रकार से लोगों का स्नेह मिल रहा है, लोग कबाड़ के जुगाड़ के ओर आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में नगर निगम ने भी हर चौक चौराहे पे अलग अलग कबाड़ से बने वस्तुओं को रखने का प्रस्ताव भी रखा है। तो क्या कुछ कहना है धनबाद वासियों का, आइए हम उनसे बात करते हैं। ये तो नगर निगम के तरफ से ये एक अच्छा प्रयास है। मैं तो देख रहा हूँ कि जहाँ हम जा रहे हैं देख रहे हैं कहीं मोर बना दिया गया है, कहीं पर वो रबड़ का टायर जो होता है, जो वेस्ट जो बर्बाद होता है उससे बड़ा हाथी बनाया गया है, कहीं गोरिल्ला बनाया गया है। तो ये सब एक प्रयास है, और इसके बाद में वो जो छोटे छोटे पौधा लेकर के हर ब्लॉक में ये हर वार्ड में वो जो बनाया गया है, जैसे बैंकों में बनाया गया, नया बाजार सिद्धपुर बनाया गया, नया बाजार बनाया गया, आपका रणधीर वर्मा चौक 2 जगह बनाया गया है, करकेन में बनाया गया है, ये सारे जो प्रयास जो चल रहा है ये अच्छा शहर को सुंदर बनने का प्रयास है। नगर निगम का जो पहले स्थिति थी आज बिल्कुल बदल गया है। चाहे वो हम रणधीर वर्मा चौक जाते हैं, चाहे वो आपका सिटी सेंटर में, ये देखिए पूरा रंग रोगन करके एक बढ़िया स्तर से बनाया गया है। जहाँ जाइए देखिए धनबाद नगर निगम को ये हार्दिक स्वागत करता है। ये सब चीज़ जो बोर्ड लगाया गया, छोटा छोटा पार्क बनाया गया है,
नगर निगम में आप देखिए आपका ये जो है हाउसिंग बिल्डिंग है उसमें वहाँ पार्क बनाया गया है, बेकार बांध में देखिए वहाँ पार्क बनाया गया, जो घूमने का पहले जगह नहीं था शहर में आज छोटे छोटे पॉइंट पर घूमने का जगह बनाया गया है। एक सराहनीय पहल है और ये कहेंगे कि जिस जहाँ एक और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार है, लूट है, उसके बीच में यदि किसी विभाग ने, क्या कहा जाए, धनबाद नगर निगम ने कोई पॉजिटिव काम किया है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए और यह एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और इस काम को और आगे बढ़ाने चाहिए ताकि लोगों का आकर्षण और उसकी ओर बढ़े। लेकिन जब आप एलसी रोड में पहुंचेंगे तो आपको हर प्रकार के आपको वहां दृश्य आपको देखने को मिलेगा, तो क्या लगता है कि शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह का? मैं यही कह रहा हूं कि जो काम कर रहा है नगर निगम, जो अच्छे काम कर रहे हैं उस अच्छे काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ एक एलसी रोड से नहीं, और भी हर वार्ड 55 वार्ड है, हर वार्ड के अच्छे मोहल्ले को जो बाजार इलाके हैं उसमें भी इन सब को बढ़ावा करना चाहिए ताकि लोग आकर्षित हो और उसकी पॉजिटिव हो सके। कि नगर निगम के माध्यम से धनबाद को जो सौंदर्यीकरण बनाया जा रहा है, जगह जगह पे चित्र कवाड़ के माध्यम से, जैसे गोरिल्ला वगैरह जो आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं, ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं, बहुत ऐसे फुटपाथ जगह है जहाँ पर गंदगी भरी रहती थी, वहाँ पर नगर निगम के माध्यम से उसको साफ करा करके वहाँ उठने बैठने के लिए एक पार्क टाइप का बना दिया गया है, जो कि लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ उठते हैं, बैठते हैं, आनंद लेते हैं कि नहीं ये बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ सेल्फी लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम के माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है इसमें हम लोग भी इसमें समर्थन कर रहे हैं, धनबाद के हर जनता भी इसमें सपोर्ट कर रही है कि नहीं ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। कहीं भारतीय सेना का टैंक बनाया गया है तो कहीं आप देख सकते हैं कि 25 फीट का हाथी तो कहीं 15 फीट का गोरिल्ला। जी जी जी, ये सब जो दीवार पे भाई, ये सब एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लोग खड़ा होकर वहाँ सेल्फियाँ ले रहे हैं। पहले तो ये स्थिति था कि लोग खड़ा होने के इतना महक वहाँ पर होता था, टॉयलेट वगैरह लोग कर देते थे कि आदमी वहाँ खड़ा नहीं हो पाता था, आज उसी जगह में सेल्फियाँ लिया जा रहा है तो ये तो बहुत अचंभा वाली बात है। इसलिए हम लोग इसमें जो है नगर निगम के साथ हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है धनबाद वासियों का। अब हम आपको लिए चलते हैं नगर आयुक्त रविराज शर्मा के पास, उनका क्या कुछ कहना है कबाड़ के जुगाड़ को लेकर, आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, निगम पिछले बार बस का टेंडर नहीं हो पाया, निगम खुद से उसकी वसूली कर रहा है। तत्काल तो बस स्टैंड को इम्प्रूव करने का कोई हमारे पास कोई प्लान अभी नहीं है, लेकिन हम लोग प्लान इसको बनाएंगे। वहाँ पर आश्रय गृह बनाने का हम लोग की योजना है, हम लोग डीपीआर उसका तैयार कर रहे हैं, वो हम लोग वहाँ पर बनाएंगे ताकि लोग जो रात को वहाँ रुकते हैं, देर रात रुकते हैं, उनको रहने की सुविधा मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी सुविधा पेयजल की है, क्योंकि इतने बड़े बस स्टैंड में लगभग 1000 की संख्या में बस आती है और यहाँ से जाती है, लेकिन पेयजल की सुविधा वहाँ नहीं है। उसको हम लोग उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सिटी बस बेकार पड़ा हुआ है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, जो पुरानी सिटी बसेस हैं वो तो अभी किसी काम के लायक नहीं है, अगर पूछेगा तो वो काम के लायक नहीं है। हमारे पास करीब 7-8 बसें हैं जो अभी रनिंग है, वो काम कर रही है। हम लोगों ने प्लान किया है, हम लोग नए साल में सिटी बसेस और चलाएंगे और इसको हम लोग बेहतर तरीके से चलाएंगे, इफेक्टिव तरीके से चलाएंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं धनबाद के पॉलिटेक्निक चौक। जब आप इस चौक पर पहुंचेंगे तो आपको चौक के दोनों ओर कुछ विशेष, कुछ अलग, कुछ खास दिखेगा, क्योंकि जैसे ही आप इस चौक पर पहुंचेंगे तो आपको नगर निगम का अनोखा प्रयास दिखेगा। चौक के एक ओर जहां पानी के बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल, जिसे आप खाली करके डस्टबिन में फेंक देते हैं, उस बोतल से नल तैयार किया गया है, उस नल से गिरते हुए पानी को दिखाया गया है। वहीं आप जब दूसरी ओर देखेंगे तो आपको 1932 का रोड रोलर दिखेगा, जिससे सड़क तैयार किया जाता था, निर्माण किया जाता था, उसकी आकृति, उसका बनावट आपको दिखेगा, जिसका नंबर है BR 1692। 1932 के समय में जिस प्रकार से रोड
रोलर को तैयार किया जाता था उसका डिजाइन को बिल्कुल हूबहू उतारा गया है, वो भी कबाड़ के जुगाड़ से। जी हाँ, एक एक चीज को जुगाड़ कर रोड रोलर को तैयार किया गया है। आप जब दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद रेलवे का किसी इंजन का यह आकृति बनाया गया है, ये इंजन बनाया गया है, लेकिन जब आप सामने आएंगे तो आपको दिखेगा कि जी नहीं, ये रेलवे का कोई इंजन का ढांचा नहीं बल्कि 1932 का रोड रोलर तैयार किया गया है, जो बिल्कुल 1932 के समय में किस प्रकार का रोड रोलर होता था, उसका मॉडल किस प्रकार का होता था, उसे किस प्रकार से खींचा जाता था, उस पर चैन लगा हुआ होता था, उसका गियर, उसका बैठने का जो जगह था, स्पेस कितना था, वो सारा कुछ दर्शाया गया है। और बिल्कुल लोगों के लिए ये बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि 1932 आज के युवा वर्ग जो नहीं जानते हैं कि 1932 में सड़क किस प्रकार से तैयार किया जाता था, रोड रोलर किस प्रकार का होता था, तो वो आप इस जगह आकर देख सकते हैं, जो नगर निगम का एक अनोखा प्रयास भी आप इसे कह सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं धनबाद के एलसी रोड, जिसे आप रूबी सर्कुलर रोड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रूबी सर्कुलर रोड में क्या कुछ खास है, अनोखा है। अब हम पहुंच चुके हैं धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम। जब आप स्टेडियम के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको युद्ध टैंक दिखेगा, विशालकाय युद्ध टैंक, जिसे कबाड़ से तैयार किया गया है। जी हां, जिसका वेट महज 630 किलो है। तो आप सोच रहे हैं जब विशालकाय टैंक तैयार किया गया है तो इसका वेट इतना कम क्यों है। यह विशालकाय युद्ध टैंक आपने भारतीय सेना में देखा होगा, लेकिन उस टैंक को आप कोयलांचल में भी देख सकते हैं। इस टैंक को तैयार करने में जो सामान यूज किया गया है, इसमें जो सामान यूज किया गया है वो पुराने ठेले का लोहा और टायर, उसके अलावा जो कबाड़ में लोग फेंक देते हैं सामानों को, उनसे ये टैंक तैयार किया गया है, जो आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग यहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, क्योंकि नगर निगम के द्वारा जो अनोखा प्रयास किया जा रहा है उसका लोग सराहना भी करते हैं। तो आपको दिखाते हैं हम वो टैंक जो ठीक मेरे सामने है। देखिए, इस टैंक को तैयार करने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया है उसके बारे में हम आपको बता दें। ये जो आप टायर देख रहे हैं, पुराने समय का जो ठेला होता था उसका ये टायर है, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि अब नए मॉडल का ठेला बाजार में आने लगा है, तो ये टायरों को हटा दिया गया है। तो ये पुराने मॉडल का टायर है और ठीक उसी का रड से इसे पूरा तैयार किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि लोहा है, चदरा है, टुकड़े टुकड़े में चदरा है, उसे वेल्डिंग कर इस विशालकाय टैंक को तैयार किया गया है। ये धनबाद नगर निगम का अनोखा प्रयास आप कह सकते हैं कि एक विशालकाय टैंक, वो भी कबाड़ के जुगाड़ से तैयार किया गया है। जो टैंक नगर निगम की ओर से तैयार किया गया है, अगर हम उसकी वजन की बात करें तो ये 630 किलो का है। जी हाँ, ये पूरा टैंक जो है वो 630 किलो का है और आराम से एक जगह से दूसरे जगह इसे उठाकर रखा जा सकता है। तो ये जो पूरा टैंक तैयार किया गया है, ये कबाड़ से तैयार किया गया है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है धनबाद वासियों का। उनका कहना है कि नगर निगम का जो अनोखा प्रयास है वो काफी सराहनीय है। लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, देखते हैं और देख के भौचक्का रह जाते हैं। वहीं धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त रविराज शर्मा का कहना है कि नगर निगम की ओर से कई सारे चौक चौराहों को चिन्हित किया गया है, जहां विभिन्न प्रकार के कबाड़ से जुगाड़ के सामान लगाए जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TV 45।